तो अभी देखिए, अभी मॉर्निंग में मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा सुबह नाश्ते में। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए बॉईल, और यहाँ पर मेरा आटा भी है। जो आटा है मैंने रात में गूना था, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था तो मैंने रख दिया था, तो उसी से मैं बनाऊँगी अभी आलू के पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पराठे हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब एक लास्ट वाला ही बचा है, ये देखिए, देखिए अभी लास्ट वाला बचा है। अब इसको मैं सेक लूँगी। जो रायता यहाँ पर फैल गया था, बर्तन वर्तन वो सब मैंने धो लिए हैं। जब तक कि मेरा ये वाला पराठा मेरा गैस पर था, तब तक के मैंने वो वाले बर्तन साफ़ कर लिए, धो लिए। और अभी किचन मेरा साफ़ हो चुका है। एक्चुअली ये सब बनाने में ना किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक्चुअली सॉरी, वो मैं उसको पलट thank you.
सारे मोगरे के प्लांट्स हम इसमें लगाएंगे। ताकि क्या और आगे पहले जाओ ना, चूहा बाद में लेना, आओ ना ये इसको पकड़ो। सब ऊँचे वेट कर रहे हैं, सब सस्पेंस में किस चीज़ के चुआ बन रहा है। अच्छा वो भी सस्पेंस में। मम्मा मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं हमको नगर का। ये थर्ड वाला झाड़ है, तीन हम लोग के पास, ये तीन और पहले के दो पांच है। क्रैक कर देंगे अब झाड़। अम्मी के हाथ से लगे तो मतलब मिट्टी डालेंगे अंदर, अच्छी लगा। इसमें मट्टी डालना पड़ेगा अपने, है ना? वहाँ पर बोनी में मट्टी है ना, ये यहाँ पर बाल्टी है। बोनी में मट्टी है, वो लगाओ ना माइक, माइक लगाओ ना माइक।
देखिए अभी शाम हो गई है और ये वाला झाड़ देखिए, ये इसके फूल पूरे खिल चुके हैं। ये चमेली का झाड़ है, चमेली का प्लांट है ये। फूल देखिए माशाल्लाह इसे पूरी तरह से खिल चुके हैं। देखिए हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। और वो देखिए वहाँ पर हमारा गुलाब है, इसके बाद हमारे मोगरे सब वहाँ पर है, मोगरे के प्लांट। ये देखिए यहाँ पर सारे मोगरे हैं। अभी इसको अच्छे से रखे नहीं है हम लोग, अभी सेटअप इसका करना बाकी है, क्योंकि ये जो है मिट्टी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरी मिट्टी फैल गई है, तो इसको हमें धोना पड़ेगा। और धो नहीं सकते हैं इसे, जब बरसात का पानी होगा तो वो खुद ही धुल जाएगी, तो फिर हम इसको अच्छे से रख लेंगे।